हेलो फ्रेंड्स, टेक यूट्यूबर में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जैसे आप अपने जो था व्हाट्सअप को दो फोन में चलाना चाहते हैं, जैसे आपका एक फ़ोन है और दूसरे फ़ोन में अपने व्हाट्सअप को चलाना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि आप दोनों फ़ोन में व्हाट्सअप हमारा चालू रहे, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद बिल्कुल आसान तरीके से चला सकेंगे। और जैसे फ्रेंड होता है क्या कि आप अपने जो होता है फ़ोन में लॉगिन करते हैं, जैसे अपना नंबर इसमें लॉगिन करते हैं तो इसमें लॉग आउट हो जाता है, और लॉगिन करना चाहते हैं दूसरे दोनों फ़ोन में चलाना चाहते हैं लॉगिन करके, तो फिर जितना ये प्रोसेस आपको नहीं पता है कि जैसे दोनों फ़ोन में चला लें, तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद बिल्कुल आसान तरीके से आप अपने व्हाट्सअप को दोनों फ़ोन में चलाना चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से चला सकते हैं। यहाँ से देखते हैं शो कर रहा है एग्री एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका शो कर रहा देख सकते हैं, यहाँ से शो कर रहा होगा नंबर। तो जैसे फिर इस नंबर से आप चलाना चाहते हैं तो यहाँ से लॉग इन कर रहे हैं तो इसमें से लॉग आउट हो जा रहे हैं, तो यहाँ से ऊपर में थ्री डॉट का ऑप्शन है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका शो करेगा लिंक एस कंप्रेशन डिवाइस का ऑप्शन। जब इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से आपका फ़ोन लोडिंग लेगा, और लोडिंग लेने के बाद यहाँ से क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड फिर आने के बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ से देखते हैं लिंक एक कमीशन डिवाइस का ऑप्शन है, तो यहाँ से लिंक हो रहा है और आपका जो था क्यूआर कोड यहाँ से जनरेट होगा, और जनरेट होने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ से देखते हैं इस पर आपको क्लिक करना है थ्री डॉट का ऑप्शन पर। जैसे थ्री डॉट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपने मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे, कहीं नहीं मिलेगा, आप ध्यान नहीं देते। जैसे देखते हैं सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ से आपको क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन नहीं देता है, और फिर आप अपने जो था फ़ोन में क्यूआर कोड को इससे स्कैन करके इसमें चलाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बोल रहा है कि आपको एवरी 14 दिन में ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखते हैं प्राइमरी के में आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से देख से देखते हैं यहाँ जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिंक ऑप्शन पर क्लिक करना है, और देख सकते हैं लिंक डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक करना, और जैसे क्यूआर कोड आ जाता है तो यहाँ से आपका ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा कैमरा ओपन हो जाने के बाद यहाँ से आपको इसको स्कैन कर लेना है। जैसे स्कैन कर लेंगे तो यहाँ से आपका व्हाट्सअप जो होता है ओल्ड फोन से न्यू फोन में दोनों में चलेगा। जैसे ओल्ड फोन में चलाना चाहते हैं या न्यू फोन में सोच रहे दोनों में लॉगिन रहे, तो इस तरह से आपको लॉगिन हो जाएगा। जो देखते हैं यहाँ से एक्टिव दिखा रहेगा, जैसे मेन मैनेजर इसका जो व्हाट्सअप चला रहे हैं इसमें और इसमें दिखाई दे, दोनों में दिखाई देगा सेम, लेकिन जो होता है आपका व्हाट्सअप ओरिजिनल वाला इसमें रहेगा। तो देख सकते हैं इस तरह से हमारा लोडिंग ले रहा है, योर चैट इस तरह से एक्सेप्ट हो रहा है, और आपको कुछ नहीं करना है, जब तक नेट आपका स्पीड देता है तुरंत यहाँ से ओपन हो जाएगा, नहीं तो आपको वेट करना है। जो देखते हैं यहाँ से सक्सेसफुल यहाँ से रीड कर रहा है, और जैसे रीड करेगा जितने भी है चैट रहता है आपका इसमें आपका शो कर देगा। तो देखते हैं हमारा, तो देख सकते हैं फिर हम सक्सेसफुल यहाँ से दोनों फ़ोन में लॉगिन कर चुके हैं, और जैसे देखते हैं सेम हमारा जो था व्हाट्सअप जो था दोनों फ़ोन में लॉगिन हो चुका है। और फिर इस तरह से आप भी अपने जो था ओल्ड फ़ोन से न्यू फ़ोन में दोनों में चलाना चाहते हैं और एक ही नंबर से, तो बिल्कुल आसान तरीके से लॉगिन कर सकेंगे। और आप जो भी इसमें लिखेंगे तो इसमें भी दिखाएगा, और इससे जो भी लिखेंगे किस चैट करेंगे तो इसमें दिखाएगा। जैसे आपका मैसेज दोनों फ़ोन पर सेव, जैसे कोई भी मैसेज करेगा इस नंबर पर व्हाट्सअप के तो दोनों में आपका आ जाएगा। चलिए हम आपको प्रूफ है, जैसे अजय कुमार, तो जैसे हम यहाँ से यूज कर रहे हैं तो देखते हैं इसमें टाइपिंग दिखा रहा है और इसमें हमारा आ चुका है, जैसे देखते हैं दोनों हमारा ऊपर में आ चुका है। और इस तरह से फिर आप भी अपने जो था व्हाट्सअप से बात करेंगे तो दो, जैसे इससे मैसेज करना चाहते हैं इससे, सेम प्रोसेस में दोनों में शो करेगा। इस तरह से फिर आप अपने जो था व्हाट्सअप पर जो था दोनों फोन में चलाना चाहते हैं व्हाट्सअप को, तो बिल्कुल आसान तरीके से चला सकते हैं एक नंबर से। तो फिर यह तरीका कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे क्या होगा फ्रेंड कि हमारी नई नई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।